गौतम बुद्ध के आगमन से पूर्व ये देश वैदिक रीत रिवाजों के लिए जाना जाता था, यज्ञ रीति मानी जाती थी। ब्राह्मणों का कहना था कि यज्ञ से धन की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है और शेष जीवन सुखमय और शांतिमय व्यतीत होता है। परंतु साधारण मनुष्य के लिए शांति प्राप्त नहीं हुई। यह माना जाता था कि मनुष्य की आत्मा के चार भाग हैं, पर वो बंधनों से घिरा हुआ है। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य का शोषण और उस पर शासन किया, इसीलिए भेदभाव और जाति भावना पैदा हुई। ऐसी स्थिति में बुद्ध धरती पर आए, उन्होंने सभी को शांत किया, सभी की आत्मा को शुद्ध किया और जनसाधारण को प्रथम बार अपने अधिकारों का अनुभव कराया। उनके निर्वाण के पश्चात मानवता पर आधारित उनके उपदेश दूर दूर तक प्रसारित हुए। ये धर्म महासभा सम्राट अशोक ने आयोजित की है। निरंजन नदी के पास जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, उस वृक्ष को बोधिसत्व कहते हैं। वो बौद्धों के लिए बड़ा शुभ है। इस धर्म महासभा में हम तथागत की शिक्षा को लिपिबद्ध करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां बौद्ध मत के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सके। हम महाराज से विनती करते हैं कि वे इस धर्म महासभा का उद्घाटन करें। आपने मुझे बुलाया महारानी? हाँ, ये सारे सुंड मुंड और कब तक यहाँ रहेंगे? जब तक ये धर्म महासभा चलेगी। धर्म महासभा? मैं इन सब के कारण कष्ट में हूँ। ये शोरगुल मुझे बावला बना देगा। क्या बुद्ध के ये मंत्र सुनने में आपको अच्छा नहीं लगता? मधुर लगता है, पर मनुष्य के पेट में पीड़ा हो और ऐसी स्थिति में उसे स्वादिष्ट भोजन दिया जाए तो क्या अच्छा लगेगा? सुनो, सम्राट को संदेश भेजो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। किंतु सम्राट धर्म महासभा में व्यस्त हैं और वे इस सभा के यजमान हैं महारानी। पर वहां का क्या कार्य? वे तो कोई मुनि अथवा सन्यासी नहीं जो धर्म महासभा चला सके। उनके पास तो केवल धन और सत्ता है जिसका उपयोग वे कर रहे हैं। सुनो, कभी मुझे उत्तर ना देना। तुम मुझे अच्छी लगती हो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम कुछ भी कहने का अधिकार रखती हो। अब जाओ और तुरंत मेरे आज्ञा का पालन करो।